अरे यार को बोरा में सांप भर कर रख दिए हैं। अच्छा आप ही लोग का फोन किया था? हमें फोन किया। चलिए तो दिखलाइए तो कहाँ पर है सांप? यहीं पर है। अच्छा आप लोग बोरा में रख दिए हैं? रुकिए हम गाड़ी थोड़ा सा साइड कर दें। किस बोरा में रख दिए हैं? हाँ इसी में है। कुछ पता चल रहा है कि कौन सांप है? वो खरीद ये नहीं है, अजगर नहीं, ये नहीं है। कौन सांप है? ढामन है। ढामन है, ढामन। अच्छा ढामन सांप है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक बोरा में सांप है और ये जो प्लेस है सर DVTT कॉलेज यानी दामोदर वैली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। शिक्षा, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है दोस्तों। तो चलिए हम सांप के बारे में कुछ आप लोगों को बताएंगे। आइए आइए आप लोग आइए। ये ढामन सांप है, आपने कहा ढामन है, हमने अभी तक देखा नहीं है लेकिन हम चाहेंगे इसको लाइव दिखलाएं। तो इसको आप पहले पकड़िए। हम तो सर जंतु प्रेमी आदमी है ही है, हमारे साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि 20-30 किलोमीटर दायरे में लोग सांप मारना ही बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों के फोन के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों के सूचना पर हम लोगों के यहां तक पहुंचते हैं और सांप को बचाना का अभियान है मेरा। तो सांप कब ज़्यादा बचेगा? जब हम गाछ वृक्ष लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे तो ज़्यादा संख्या में गाछ वृक्ष बचेगा। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप लोगों को ये सांप को बाहर लाइव दिखलाना। बहुत प्यारा सांप है जिसका नाम है ढामन, ढामन सांप। ढामन अंधविश्वासी लोग कहते हैं कि ढामन गाय का दूध पी लेता है, बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। सांप कभी दूध नहीं पी सकता है, क्योंकि सांप का जीभ जो होता है वो फटा होता है, इंग्लिश का भी की तरह होता है। इसलिए सांप, वर्ल्ड का कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता है, क्योंकि जिस प्राणी का जीभ चीरा हुआ है वो क्या नहीं कर सकता है, शॉकिंग नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों वर्ल्ड का कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता है। इसीलिए नाग पंचमी मनसा पूजा में सांपों के मुंह में दूध न डालें। अगर दूध सांप के पेट में चल जाए, हमारे पेट में आ जाए तो ताकत बढ़ जाएगा, लेकिन सांप के पेट के अंदर अगर दूध घुस जाए तो उसे क्या होगा, वोमिटिंग होगा, निमोनिया होगा, बुखार आएगा और सांप मर जाएगा। इसलिए सांप को कभी भूल से भी दूध न पिलाएं। दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लोगों से निवेदन है कि सांपों को दूध न पिलाएं। मॉर्निंग का वक्त है, 6 सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लाइव आपको सांप दिखलाना चाह रहे हैं। एक ऐसा ही सांप जिसका नाम है हिंदी नाम धामन, बांग्ला नेम दड़ास और इंग्लिश में इंडियन रेड स्नैक, नॉन वेनमस, जहरीला नहीं है। चलिए, बहुत ही प्यारा सांप है। ढामन सांप का 5-6 कलर पाया जाता है। कितना कलर पाया जाता है? 5-6 कलर पाया जाता है दोस्तों। और सांप कभी ये नहीं चाहता है कि हम मनुष्यों के घर में प्रवेश करें, क्योंकि जिस तरह गाछ वृक्ष कट रहा है, क्या कट रहा है, पेड़ पौधा कट रहा है, आज के युग में सांप इंसानी बस्तियों में आना शुरू हो गया है दोस्तों। तो हम ज्यादातर सेव ट्री सेव लाइफ, सेव स्नैक सेव लाइफ, इस पर ज्यादा काम करें। तो ये DVTT कॉलेज है, ये जगह ही कुछ अलग है जहां महीने में, हर महीने में कुछ भी नहीं तो 20-50 पौधा पेड़ लग ही जाता है। तो ये ढामन सांप है, बहुत सारे लोगों का अंधविश्वास है क्या कि ढामन सांप अगर पूंछ से मार दे तो वो जगह सड़ने लगता है, बिल्कुल गलत है। हमारा एज लगभग 46 हो गया है दोस्तों और हम जब मेरा उम्र था 7 साल, ओनली फॉर 7, तब से हम सांपों का बचाने का अभियान छेड़ रखे हैं और अंतिम सांस तक हम सांप ही बचाने का काम करेंगे, क्योंकि हम जंतु प्रेमी आदमी हैं। कौन प्रेमी है? जीव जंतु प्रेमी आदमी है।
क्योंकि कोई अगर सांप को मारता है तो हमें तकलीफ होता है, क्या होता है तकलीफ होता है, हमें दर्द महसूस होता है कि एक बेजुबा को क्यों मार रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल अंधविश्वास है, वर्ल्ड में कोई सांप दूध नहीं पी सकता है, क्योंकि सांपों का जीभ फटा होता है और ढामन सांप अगर पूंछ से मार दे तो वो जगह बिल्कुल नहीं सड़ता है। और सर आप थोड़ा इसको पकड़िए, पूंछ पकड़िए, डरिए मत, डर के आगे जीत है, यहाँ पकड़िए, छोड़िए उसको, रखिए, हमारा काम है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। क्या पैदा करना? जागरूकता, अवेयरनेस। सांपों के मस्तिष्क के अंदर क्या है? मस्तिष्क, ब्रेन। सांपों के मस्तिष्क के अंदर सेरिबल हेमिस्फीयर नहीं पाया जा सकता है। सांपों के मस्तिष्क के अंदर सेरिबल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता है, इसीलिए वर्ल्ड का कोई भी सांप पालतू नहीं बन सकता है, क्योंकि सेरिबल हेमिस्फीयर नहीं होने के कारण सीखने की क्रिया को ये नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसलिए वर्ल्ड में कोई भी सांप पालतू नहीं हो सकता है, पोष नहीं मान सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, वर्ल्ड का कोई भी सांप पालतू नहीं बन सकता है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा जगह पहुंचे हैं जहां शिक्षा का मंदिर, दामोदर वैली पब्लिक स्कूल, और इसके ठीक विपरीत डीबीटी कॉलेज, जहां शिक्षा का मंदिर। लोग हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे भी यहां, एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक ऐसा जगह जहां बचपन में हम आया करते थे, तातले मेला लगता है यहां, और इसी जगह से हम रेस्क्यू कर रहे हैं, और इसे हम चाहेंगे कि पंचेत पहाड़ी में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। तो हम तो जंतु प्रेमी आदमी है ही हैं, हमारे साथ साथ देख रहे हैं यहाँ काम करने वाले कारीगर, लेबर, और यहाँ के शायद सर हैं आप, अच्छा चाहे यहाँ के वर्कर है, और एक हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे बहनोई साहब के बड़े भाई हैं आप ना, तो हम चाहेंगे कि इनको भी थोड़ा गुरु ज्ञान दिया जाए। डरिए मत, देखिए मोच रखे हैं डैनी की तरह, इनका मोच देखिए सर डैनी की तरह, डैनी का फिल्म देखे होंगे आप लोग, और यहाँ पता चल रहा है कि सांप लॉक कर दिए हैं, लेकिन अरे देखिए, अच्छा देखिए आप लोग थोड़ा छू कर देखिए, आइए। तो दोस्तों सांप नहीं, सांप के नाम से डर है, भय है, खौफ है, आतंक है, क्योंकि 95% सांप जहरीले नहीं है, और 95% लोगों के काटने के बाद लोग एक दूसरे को डरा देते हैं, डर से काटने के बाद डर से उनका ब्रेन हैमरेज कर जाता है, इसलिए मौत हो जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और घंटी दबा दें, ताकि जीव जंतु से जुड़ा हुआ तमाम जानकारियां आपका मोबाइल तक पहुंचता रहे। और ध्यान दीजिए इसके जीभ में, जीभ देखिए ध्यान से, जीभ एक ही है लेकिन दोनों तरफ फटा हुआ है, जो हवा में वायु तरंग, ध्वनि तरंग, रेडिएशन, वाइब्रेशन को ये फील कर लेता है और बड़ा आसानी से अपने शिकार तक पहुंच जाता है। बहुत ठंडा था कैसा।